साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप एक सिंगल बेडशीट और कुछ घर में बचे हुए कपड़े जैसे साड़ी का कपड़ा, पर्दे का कपड़ा, कोई पुराना दुपट्टा या कोई और बहुत ही अच्छा सा आपके पास अगर कपड़े का फैब्रिक का पीस पड़ा हो, इनकी मदद से एक डिज़ाइनर 2-in-1 बेडशीट कैसे बना सकते हैं। बहुत ही काम की ये बेडशीट है जिसे कि आप दीवान कवर या सिंगल बेड की कवर जैसे कि आप ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको डबल बेड की एक बेडशीट की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस बेडशीट के साथ आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कुछ मसंद के कवर और इसके साथ साथ पिलो कवर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है वो है फैब्रिक सिलेक्शन की। मैंने ये थोड़ा सा रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है जो बहुत महंगा नहीं आता, काफ़ी सस्ता आता है। देखिए, जैसे ये रेड वाला जो पीस है ये तो मेरे पास पहले से था, एक्चुअली मतलब कुछ मुझे पूजा के काम में ज़रूरत थी। ये शायद 100 से 120 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपको मिल जाएगा, और ये मेरे पास 2 मीटर है। और इसी के साथ ग्रे कलर का जो ये पीस है ये आपको 120 से 140 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलेगा, ये 3 मीटर है मेरे पास। और ये प्लेन रेड कलर का फैब्रिक है जो कि मैं थोड़ा सा मतलब पिलो कवर के पीछे लगाने के लिए यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मुझे सबसे पहले जो ये कपड़े हैं इनको देखना है, जैसे कुछ कपड़े तो बड़े अर्ज के होते हैं, कुछ छोटे अर्ज के होते हैं। तो जो मेरे पास ग्रे वाला कपड़ा है ये काफ़ी बड़े अर्ज का है, और इसमें से काफ़ी कपड़ा 3 मीटर कपड़ा में से मेरे पास बच भी गया था। तो मैं इससे बनाऊंगी सबसे पहले ये मसंद के कवर जो कि बहुत ख़राब हो चुके हैं, और इनका अब बिल्कुल एक ऐसा टाइम है कि इनको बनाना अब ज़रूरी ही है, बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले फैब्रिक को कट करना होता है। अब देखिए जो इसकी मेज़रमेंट है कि कितना हमें कट करना है, ये मैं आपको इस फैब्रिक को कट करने के बाद ही बताती हूँ। तो देखिए, जब ये फैब्रिक कट गया तो हमने इसे इतना लंबा चौड़ा काटा है कि लंबाई में तो जो मसंद के ऊपर ये पूरी तरीके से इस तरह से कवर हो जाए अच्छी तरह से, और साइड में देखिए ये इसे कवर कर ले। हम यहाँ पे कुछ मतलब पट्टी या नाड़ा वगैरह डालने के लिए भी यहाँ पे एक नेफा बनाएंगे जिसमें कि नाड़ा डाल सकें, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड में एक पट्टी, रिबन या नाड़ा डालने के लिए हमें बनाना है एक नेफा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मोड़ के, हम दोनों साइड से मोड़ के कुछ इस तरह से बनाएंगे, और साइड में से इसे इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि हम यहाँ पे पट्टी इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। तो दोनों तरफ से हमको इसको सिलना है, और सिलने के बाद ये हमारा एक आधा जो है मसंद का कवर रेडी हो जाएगा। अब हमें इसे उल्टा करना है, और देखिए बिल्कुल इस तरह से एक सिलाई मार लेनी है और मसंद कवर रेडी हो जाएगा। एक्चुअली जो मसंद है वो बेड पे जब आप मतलब कुछ पढ़ते हो या आपको पीछे आराम करने के लिए लगाने के लिए चाहिए तो ये मसंद कवर बहुत यूज़ आते हैं, मसंद बहुत यूज़ आते हैं। तो बेड पे मसंद रखना तो मेरे लिए मतलब एक तरीके से ज़रूरी ही है, मैं रखती ही हूँ। लोअर सिटिंग में भी मैं काफ़ी बैठती हूँ तो मसंद बहुत यूज़ में आते ही हैं। तो इस तरह से देखिए मसंद कवर के बाद अब मुझे बनाने थे इन 2 पिलो के कवर, और ये मैं बनाऊँगी रेड वाले रॉ सिल्क के कपड़े से। तो देखिए, मैं जो दीवान के लिए भी इसको यूज़ करूँगी इस बेडशीट को, तो उसमें मैं डालूँगी मतलब उसमें मसंद भी यूज़ कर लगा सकती हूँ मैं, और उसमें पिलो कवर को पीछे के साइड में रखने से एक बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। तो पिलो कवर बनाने के लिए या किसी भी चीज़ का कवर बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट जो होता है किसी भी गद्दी का, कुशन का, उसको हम कट करते हैं। तो ये मैंने पिलो के फ्रंट पार्ट को कट कर लिया, और जो इसके बैक पार्ट में मैं लगाऊंगी 2 कपड़े। तो देखिए, 2 कपड़े का नाप भी सेम ही होगा जो फ्रंट पार्ट का है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे, और वो इस तरह से लेंगे कि एक के ऊपर एक चढ़ के ये कपड़े आते रहें ताकि हमें कोई बटन या चेन लगाने की बैक साइड में ज़रूरत ना पड़े। ये एक ही तरीका है, और इस तरीके से आप किसी भी गद्दी का, किसी भी कुशन का कवर बना सकते हैं। तो देखिए, एक कपड़ा थोड़ा सा मैंने छोटा लिया और एक कपड़ा मैंने थोड़ा बड़ा लिया, और एक के ऊपर एक जो है ये कपड़े आ जाएंगे, और देखिए इस तरह से ये आ गए, और चारों तरफ से अब हम इसमें सिलाई मार लेंगे, और इस तरह से जो है पिलो का जो कवर है वो रेडी हो जाएगा।
तो मैं आपसे यही कह रही थी कि मसन और तकिए ये एक ऐसी चीज़ हैं जो बेड पे ज़रूरी ही हो जाते हैं रूम के में, तो मैंने ये दोनों ही बिल्कुल अलग तरीके से रखे। कुशन मैंने इसमें यूज़ नहीं किए क्योंकि मैं इसे दीवान कवर की तरीके से भी यूज़ करूँगी। तो देखिए बड़ी ही आसानी से ये पिलो कवर मैंने स्टिच कर लिए और मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सीधी सिलाई इसमें हमें लगानी पड़ती है। और उसके बाद देखिए ये है एक सिंगल बेड की वाइट कलर की बेडशीट, मैं जो हूँ इसी बेडशीट में की मदद से ही अब इस बेडशीट को डबल बेड की एक डिज़ाइनर बेड कवर की तरीके से कन्वर्ट करूँगी। तो देखिए ये है हाफ पार्ट में, तो ये कवर हो जाएगी डबल बेड के, और हाफ पार्ट में हमें इसमें कुछ फैब्रिक लगाना पड़ेगा। और फैब्रिक का को जो मैं यूज़ करूँगी वो इन्हीं को यूज़ किया है जो मैंने अभी आपको कपड़े दिखाए थे, और इन्हीं कपड़ों को मैं कुछ इस तरह से कट करके अरेंज करूँगी कि बिल्कुल ये जो हाफ जो पार्ट है वो कवर होगा। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए छोटे छोटे मैंने इस तरह से पीस कट किए, बिल्कुल बेडशीट के नाप के ही चार पीस मैंने इस तरह से देखिए ये बड़े कट किए और दो पीस मैंने छोटे कट किए। ग्रे के बीच में लगाया रेड कपड़ा और रेड के बीच में लगाया मैंने ग्रे कपड़ा। तो पहले जो ऊपर के तीनों कपड़े हैं देखिए इनको मुझे सिल लेना है, तीनों को मैं सिल के एक पट्टी से सिल लूँगी। और बस इसमें हमें छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे जो रॉ सिल्क का कपड़ा होता है वो थोड़ा सा खिंचता है, मतलब उसमें धागे बहुत निकलते हैं, तो आप लगातार उन्हें कट करते रहिए। तो देखिए ये ऊपर का पोर्शन सिल गया और बिल्कुल इसी तरीके से मैं नीचे का पोर्शन भी सिल लूँगी। और अब देखिए जो ये नीचे का पोर्शन है ये भी सिल गया, अब क्या है बिल्कुल परफेक्ट इसमें साइज आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कपड़े को मजबूती देने के लिए एक बहुत पुरानी बेडशीट जो कि फेड हो चुकी है उसकी मैं लाइनिंग लगाऊंगी। तो देखिए एक एक करके लाइनिंग लगाऊंगी, जो ये दोनों पट्टियां हैं इसमें मैं सेपरेटली लगाऊंगी लाइनिंग। तो पहले मैंने कट कर लिया, लाइनिंग लगाने से ये इतना मजबूत हो जाएगा जो रॉ सिल्क का कपड़ा है कि काफ़ी सालों तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। और लाइनिंग लगाने का तरीका ये है, पीछे की तरफ हम लगाएंगे लाइनिंग को और सीधा रखिएगा चादर को पीछे की तरफ से कि कभी चादर पलटें भी तो वो बुरी ना लगे। और इस तरह से ऊपर से ही सिलाई हम इसमें मार लेंगे क्योंकि ये सारी सिलाई तो वैसे भी जब हम जोड़ेंगे तो छुप ही जाएगी। तो देखिए इस तरह से ऊपर से हमने सिलाई लगा ली और जो हमारे अब ये पोर्शन है ये बहुत ही मजबूत हो गए। आप चाहें तो सब पीस में पहले अलग अलग लाइनिंग लगा लीजिए फिर उन्हें जोड़ लीजिए, तो उससे भी वो काफ़ी मजबूती में आ जाएंगे। तो हमने जब दोनों पीसेज में देखिए लाइनिंग इस तरह से लगा ली है और बहुत ही मजबूत अब ये पीस बन गए। और कलर कॉम्बिनेशन तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये तो हो गई पहली वाली पट्टी और इसके साथ ही देखिए लाइनिंग लग के ये नीचे का भी रेडी हो गया है। और कलर कॉम्बिनेशन की वजह से भी देखिए बहुत ही सुंदर ये जो है एक लगने लगा जो एक हाफ पोर्शन था। अब मैं इन दोनों को भी आपस में ऐड कर दूंगी और जैसे कि जब ये जैसे ही ये दोनों को मैं ऐड करूंगी तो एक हाफ पोर्शन जो है या हाफ बेडशीट जो है रेडी हो जाएगी, सिंगल बेडशीट रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से सिलने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सिंगल बेडशीट रेडी हो गई और कितना अच्छा लग रहा है और हैवी लुक आ रहा है, जैसे इसमें अस्तर लग जाने से एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से खरीदी हुई कोई एक हैवी बेडशीट हो, सिंगल बेडशीट हो। तो बहुत ही हैवी लग रही है और इस तरीके की बेडशीट अगर आप खरीदेंगे तो आपको 2,000-3,000 जो है पर सिंगल बेड के हिसाब से मिलेगी। अब मुझे जो है देखिए ये बेडशीट मैंने बना ली है लेकिन मुझे तो अब इसे डबल बेड की तरह से भी यूज़ करना है, तो मैं इसको जो है वाइट वाली जो मेरी बेडशीट है सिंगल बेड की जो बेडशीट है उसके साथ भी मैं इसको एक सिलाई मार के जोड़ लूँगी और चारों तरफ से भी इसे अच्छी तरीके से इसमें सिलाई मार लूँगी ताकि कहीं पे भी कोई धागा वगैरह निकला हुआ ना रहे। तो इस तरह से मेरी एक ऐसी बेडशीट तैयार होगी कि जिसको चाहूँ मैं फोल्ड करके दीवान पर भी बिछा सकती हूँ और डबल बेड पर भी बिछा सकती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही एथनिक कॉम्बिनेशन होते हुए भी काफ़ी स्मार्ट कॉम्बिनेशन ये लग रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वाइट के संग इसके जो जितने भी कलर्स हैं वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ये हो गए मसंद के कवर, पिलो के कवर, और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। इनको बनाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उससे एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो खाली टाइम होता है जिसमें बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ भी आएंगी अगर हम खाली रहेंगे, तो उन सबसे हम काफ़ी दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने ऊपर एक विश्वास बढ़ता चला जाता है, और इन घर में एक मतलब एक टाइम अच्छा कटता है, और अपनी इन्हीं चीजों से लगाव भी बढ़ता चला जाता है, और हम और ज्यादा मेहनत करना सीख जाते हैं। जैसे मैं जब इन सबको मेंटेन भी करती हूं तो भी एक एक्स्ट्रा मेहनत की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे वो करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ रेडी हो गई मेरी डबल बेड का एक डिज़ाइनर बेडशीट प्लस बेड कवर। एक तो इसका लुक बहुत हैवी, बहुत एथेनिक, बहुत ही प्यारा है। दूसरा, ये गंदा जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पैरों की तरफ वाला पार्ट है जिसमें ज़्यादातर बच्चे कूदते हैं, वो बिल्कुल इतना डार्क कॉम्बिनेशन का है कि वो कभी खराब मतलब बहुत जल्दी गंदा नहीं दिखाई देगा। कपड़ा मजबूत है, लाइनिंग लगने से भी सुंदर लग रहा है। और अगर आपको इसे दीवान की तरह से यूज़ करना है तो आप इसके हाफ पोर्शन को बिछा कर डबल करके आप इसे दीवान पर भी बिछा सकते हैं, और बिल्कुल इंडियन टच जो है दीवान का आएगा, क्योंकि इसके साथ मसंद के कवर हैं और इस मसंद है जो वो बिल्कुल एक इंडियन टच देंगे। तो एक आप भी ट्राई करिए कुछ इसी तरीके की बेडशीट जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा एथेनिक सा टच आए, और मसंद ज़रूर बनाइएगा क्योंकि उसके बनने के बाद एक ये कम्प्लीट लुक देगा। तो इसे दीवान पर भी देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो 2-in-1 बेडशीट बन गई। और हाँ, अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी हो ना, उसका आप यूज़ कर लीजिए, दुपट्टे का यूज़ कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो बनाने में किसी भी चीज़ को बहुत टाइम, वक्त, लगन और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप लोगों के लाइक और कॉमेंट आते हैं तो मुझे ये मेहनत अपनी बिल्कुल सफल दिखती है। घर वाले तारीफ़ करें ना करें, लेकिन अगर आप लोगों की तारीफ़ें मिलती हैं तो एक आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो मेरे अंदर और बढ़ जाता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस अब तक जिस तरह से आपने बढ़ाया है, उसी तरह से आगे भी बढ़ाइए। इंतज़ार करूंगी मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, और लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आता है, शेयर ज़रूर करिएगा अगर आप किसी और को भी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सबसे प्यार कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।